This is the heart of our story. Golu and Raji, brother and sister. And this was their whole world, this one small carnival. The other performers were their friends, their only family. This was home. On that day before their performance, Raji took her brother aside. "Did you forget, little brother?" she asked him. And she tied a rakhi to his hand. For it was the feast of Raksha Bandhan. Although it was a feast day, they still had coins to earn. So Raji walked on tight ropes and tumbled for the crowd. While Golu told his puppet tales of ancient times when demons walked the lands. A long, long time ago, a demon did penance. For showing such devotion, Brahma blessed him with immortality and a mighty weapon of all. Upon receiving, he united the demons to wage a war. Bhumi Devi urged him to stop. He killed her ruthlessly without thought. This angered Shiva greatly, and he stomped, dividing the continents, and the demons were forever lost. But as he spoke, the skies darkened, and the earth shook, and other figures dressed as demons strode through the crowd. These were not masks. This was not a child's tale. As the demons turned to slaughter, Raji tried to reach her brother. He'd been hurt and he was scared, and she knew she must protect him. But in that moment, Raji failed, for the Garasura demons took Golu from her. Raji, awake, my child.
बहुत ही छोटी है। एक बच्ची, भगवान शिव के शब्द याद कीजिए। एक मानव के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। क्या ये शक्तिशाली है? ये तो समय बताएगा। माँ दुर्गा, मुझे आपकी जरूरत है। Her brother and the other children had been seized by the Garasura. I told her that she must be strong. Her journey would be difficult and full of unknowns. I blessed her with the Trishul, my most powerful weapon that Shiva had given to me. This, with Raji's own serenity and strength, would save her brother. गुफा में बिना डर के चलती है, वो खंभों पर चढ़ती है, वो एक देवी के सामने बिना किसी डर के खड़ी है। उसके अंदर एक आग है। हाँ, इसे खुद को संभालना होगा, लेकिन इस आग के बिना ये पहले ही हार मान चुकी होती। बहुत से मानव इस तरह बहादुरी से नहीं चढ़ पाते। हमारी राजी को ऊंचाई से डर नहीं लगता। देखिए, उधर देख रहे हैं, वो सोचना सीख रही है और अपने बचपन के कर्तव्य इस्तेमाल करना भी। खंबे पर चढ़ना एक बात है और असुर का सामना करना अलग बात है। To save her brother, Raji must face the demons. She held the Trishul, and it was a gift of great power. It was blessed by Brahma, Vishnu, and Shiva, and would help her stand against her terrible foe. But it was also a great responsibility. To wield it, she would need strength, courage, and belief. क्या तुम में से किसी ने मेरे भाई को देखा? दूसरी गाड़ी, उनके लौटने से पहले जाऊं। कहाँ ले जा रहे हो? बेचारी बच्ची,
वो रास्ता ढूंढ लेगी। अपनी धड़कन सुनो युद्ध के नगाड़े जैसी, अपने दिल की सुनो, तुम्हें शक्ति मिल जाएगी। लड़ो राजी, योद्धा बनो। त्रिशूल का इस्तेमाल कई तरह से हो सकता है। देखा मेरी बच्ची, वे तुम्हारे जितने शक्तिशाली नहीं है। सभी दुश्मन तुम्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं देंगी। इसे देखो, वो कर्तव्य दिखाती है, हमारी रानी। देखिए वो क्या कर सकती है। शहद असुर को मारने का इनाम, इसकी शक्तियों से तुम्हारे घाव भर जाएंगे। मंडल सभी को बीता हुआ कल दिखाता है। झलकों का हमेशा कोई मतलब होता है। ओह,
काली का मंदिर। आपकी बहन के मंदिर में हमेशा बलि से भोग चढ़ता है। राजी इसका इस्तेमाल कर सकती है अगर वो सावधान रहे तो। उसने त्रिशूल की सही शक्ति को समझना शुरू कर दिया। आपको मानना पड़ेगा, वो कर लेगी। उसे युद्ध की कला की जरूरत होगी, ये सच है, और इनकी परीक्षा भी होगी। लेकिन शक्तिशाली होने से मेरा मतलब ये नहीं था। महिषासुर, रूप बदलने वाला महिषासुर, दुष्ट आत्मा। लेकिन उसके बिना आप नहीं आती। यही समय है जब उसे ब्रह्मा से वरदान मिला था। उसे कोई आदमी नहीं मार सकता। और यहां महिषासुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। इसने सभी देवताओं को हरा दिया और निकाल दिया, यहां तक कि इंद्र को भी। आपका जन्म देवी दुर्गा, देवों को पता था कि उनके पास यही मौका है कि वे अपने शत्रु को खत्म करने वाला कोई जीव बना सके। उनकी सारी शक्तियां एक शरीर में, सभी अस्त्रों के साथ। मैं सोचता हूं आपके विचार क्या। आपने उसे हरा दिया था, मुझे अच्छी तरह याद है। आप शेर की सवारी करते हुए युद्ध में सबसे आगे थी। सभी देव आपके पीछे थे, एक नई हिम्मत के साथ। आपने अपने त्रिशूल से घातक प्रहार किया था। आपके चेहरे पर कोई डर नहीं था। हालांकि महिषासुर ने स्वर्ग को हिला दिया था। आपकी आंखों में युद्ध की ज्योति, माथे पर लगन। मैं जानता था देवों ने क्या बनाया है, और मैं ये भी जानता था कि दुनिया में। यहाँ क्या हुआ था? वो इस जगह की बुराई महसूस कर सकती है। आप चौंक गए? महाबलासुर के असुरों ने भूमि देवी के एक पवित्र पेड़ को खराब कर दिया है। इस तरह की बुराई रोकने के लिए ही भगवान शिव ने उसे बंदी बनाया था। बुराई रोकी, सब चीजें बदलती हैं।
The tree showed Raji a vision of Golu, of dark clouds and a gathering storm, threatening destruction on the world. And behind it all, a being of great power and malice. ये रास्ता जयघर के किले के ओर जाता है। वो शक्तिशाली है, देवी दुर्गा। हाँ, वो है। मुझे उम्मीद है कि वो उसे सहन कर पाएगी, जो वो अंदर देखेगी। किला उसके लिए चुनौती होगी, लेकिन वो अपनी ताकत बढ़ा रही है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द महाबलासुर और उसके असुर उसके भाई को बंदी बनाने के लिए पछताएंगे। देवी दुर्गा, इतनी जल्दी ऐसा मत सोचिए। अगर महाबालासुर जीता तो आगे जाकर क्या ही बदलेगा? आपको ये स्वीकार करना होगा कि कुछ चीजों पर मानवों का नियंत्रण नहीं है।
कभी कभी मुझे लगता है कि आप मानवों से प्रेम करने लगी है। सभ्यता बनती है और मिटती है। मैं असुरों को जीतने नहीं दूंगी और ना ही वो सन की रहस्यवादी जो उनका मुखिया है। जो उसने भूमि देवी के साथ किया वो बहुत बुरा था। अब महाबलासुर के इरादे कौन जानता है। मुझे उम्मीद है कि वे तुम्हारा दिल नहीं तोड़ेंगे। मेरे साथ भगवान है। कोशिश करता मैं उसके साथ भी ऐसा ही करती। जयधर का किला मानवों द्वारा बनाया गया और दुनिया के दो हिस्सों में बंटने तक असुरों द्वारा जीता गया। उपहार भगवान विष्णु। ऐसा लगता है चमत्कार है। ये जरूर देवताओं का अस्त्र है।
धन्यवाद उनका जो मुझ पर अपनी कृपा बनाए हुए हैं, जो मेरा साथ दे रहे हैं। मुझे बहुत हैरानी है भगवान विष्णु, आपका धनुष बहुत अच्छा उपहार है। इन कांटों को संतुलन में होना चाहिए, है ना? लड़की ने अपना ही नाम पा लिया है। मुझे कमजोर मत समझना। गाड़ियां ले गए थे। खोलो खोलो, मुझे अंदर आने दो। कुछ नहीं, मैं अब क्या करूं? एक और मंडल, बीते हुए कल की एक और झलक। अगर वह याद कर सके तो।
captured the children? What was their purpose? Had Raji known the truth, she may simply have given up. For this being was utterly ruthless, and the very heavens were at risk. ये अजीब है ना, कि ऐसा होनहार बच्चा पैदा हुआ, वो भी ऐसे वंश का, जिस समय उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कौन कह सकता है कि ये सब कैसे होता है? मैं तो नहीं। चित्रण किया है, उनके शब्द अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं। मैं आदि पराशक्ति हूं, मैं ही परम सत्य हूं। उन्होंने हमें बताया कि वो ऊर्जा का वो स्वरूप है जो ना बन सकती है ना मिट सकती है। उन्होंने हमें बनाया है जिससे हम उनकी शक्ति से ब्रह्मांड पर राज करें। ब्रह्मा को उन्होंने निर्माता की भूमिका दी और बुद्धिमान सरस्वती को उनकी सहयोगी बनाया। दोनों साथ मिलकर दुनिया बनाएंगे। मेरे लिए उन्होंने मेरे सभी जरूरी अवतारों में संरक्षक की भूमिका निभाई। देवी लक्ष्मी को मेरा सहयोगी बनाया जिससे समृद्धि। रुद्र समय के देवता बन गए, ब्रह्मांड के विनाशक और पुनर्निर्माता दोनों, और शक्ति के अन्य रूपों को पार करने के लिए बढ़े। आधा हिस्सा भगवान शिव बना जो बुराई के विनाशक, दूसरा हिस्सा आपको पता है देवी दुर्गा, वो दूसरा हिस्सा आप थी। जा रहे हैं, ऐसा क्या है जो वे चाहते हैं?